सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज कई संगठनों ने भारत बंद बुलाया है और इसका असर ग्वालियर में भी देखने को मिल रहा है, जहां बीएसपी और दलित संगठनों ने बंद बुलाया। वहीं जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 3000 जवानों को तैनात किया गया। आपको बता दें कि बीएसपी, भीम आर्मी समेत कई पार्टियां भी इस मामले को लेकर प्रदर्शन करेंगे। वहीं कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम समेत कई पार्टियों ने भारत बंद का समर्थन किया है। और भारत बंद को लेकर क्यों ऐलान किया गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का यह विरोध जताया जा रहा है। आरक्षण में कोटे में कोटा दिए जाने का विरोध के फैसले पर विरोध जताया जा रहा है। दरअसल आरक्षण में क्रीमी लेयर बनाए जाने का विरोध यह है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का यहां पर विरोध जताया जा रहा है। सुकमा में भी बंद का मिला जुला असर दिख रहा है। बंद के दौरान चक्का जाम हुआ, जिला मुख्यालय में चक्का जाम किया गया। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी और सुरक्षा के लिए पुलिस ने चाक चौबंद इंतजाम किए हुए हैं। यहां किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, देखिए शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन चल रहा है और SC/ST कैटेगरी में बड़ी जो प्रदर्शन आरक्षण को लेकर हो रहा है, ये इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रायपुर में बंद का आंशिक असर दिखाई दिया और व्यापारियों से बंद को समर्थन देने की अपील भी की गई। गरियाबंद में भी बंद का असर दिखाई दिया। जिला मुख्यालय में व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं, यात्री बसों के पहिए थमे हुए हैं। सर्व आदिवासी समाज के बंद को समर्थन मिल रहा है और प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम यहां किए गए हैं। और बिलासपुर शहर में भी भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। जरूरी सेवाओं को बंद से अलग रखा गया, जिसमें एम्बुलेंस या फिर चिकित्सा संबंधी और अन्य जो फूड से संबंधित डिलीवरी है उस पर फिलहाल कोई बंद की छाप नहीं दिखाई दे रही। हालांकि जिले के स्कूल कॉलेजेस खुले हुए हैं। इसके अलावा मुंगेली में भी बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है और बाजारों में दुकानें बंद हैं। चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। और राजधानी रायपुर में बंद का आंशिक असर दिखाई दिया। SC/ST संयुक्त मोर्चा के लोग बंद करवाने सड़कों पर उतरे और व्यापारियों से बंद को समर्थन देने की अपील की। SC/ST कैटेगरी में क्रीमी लेयर का यह पूरा मामला, जिसमें बड़ी संख्या में अब प्रदर्शन करने के लिए प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर सकते हैं और इसमें असर यह दिखाई दे रहा है कि पुलिस बल की तैनाती भी की गई है और सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे इसके लिए भी प्रयास लगातार पुलिस प्रशासन का है, किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ST/ST श्रेणी के सब कैटेगरी को लेकर सुनाए गए फैसले के विरोध में आज भारत बंद का आह्वान किया गया है, लेकिन राजधानी रायपुर में भारत बंद को लेकर मिला जुला असर जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भारत बंद के को समर्थन नहीं दिया है। तो ऐसे में कुछ व्यापारियों ने दुकानें भी बंद करने से इनकार कर दिया है, तो कुछ दुकानें यहाँ पर बंद है। इसके साथ ही कुछ मार्केट्स भी राजधानी रायपुर में ओपन जो है वो नजर आ रहे हैं। इसके अलावा समाज से जुड़े लोगों के द्वारा बाइक के माध्यम से शहर के चौक चौराहों पर दुकानें जो हैं वो बंद कराई जा रही है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से बड़ी संख्या में शहर के चौक चौराहों पर पुलिस की टीम भी तैनात है और पुलिस भी जो है अलर्ट मोड पर आ गई, क्योंकि अगर किसी भी शहर के चौक चौराहों पर जबरदस्ती दुकानें बंद करते हुए पाया जाएगा ताकि तब पुलिस की जो टीम है वो तुरंत कार्रवाई करेगी। इसके अलावा पूरे शहर में 500 से ज्यादा पुलिस की टीम जो है वो तैनात है। फिलहाल राजधानी रायपुर में भारत बंद का मिला जुला असर जो है वो देखने को मिल रहा है और पूरी तरह से अभी दुकानें जो है वो बंद नहीं हुई है। कैमरा पर्सन मनीष कीते के साथ तनु वर्मा, News 18 छत्तीसगढ़ रायपुर। और भारत बंद को लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट डाला, जिसमें उन्होंने लिखा कि सिर्फ कुत्सित राजनीति देश को अराजकता में झोंकने का षड्यंत्र, जब केंद्र सरकार ने अपनी राय स्पष्ट कर दी है कि ST/SC आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा, तब 21 अगस्त 2024 को भारत बंद के आह्वान का क्या औचित्य है।
और बात करेंगे उमेश हमारे सहयोगी इस वक्त बिलासपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्रीनिवास नायडू भी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे सहयोगी। उमेश पहले आपके पास आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आज बंद बुलाया गया, कितना असर बिलासपुर में इसका दिखाई दे रहा है? आरक्षण बचाव समिति संघर्ष के द्वारा लगातार यहां पर आह्वान किया गया था कि बंद का बंद किया जाए और इसको लेकर दलित जो संगठन है वो इसमें शामिल हुए हैं। बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में मिला जुला बंद का असर दिखाई दे रहा है। हालांकि ये जरूर है कि जैसे ही बंद की ये घोषणा की गई थी उसके बाद से जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद और व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया है। चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी प्रकार की ऐसी अप्रिय घटना ना हो इस बंद के दौरान। ये उसके अलावा अगर हम कहें तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो सेवाएं होती हैं मेडिकल डॉक्टर्स के अलावा जो स्कूली और कॉलेज है वो भी खुले हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि मिला जुला असर जो है वो बिलासपुर में बंद का दिखाई दे रहा है, जो कि जिस तरीके से आरक्षण को लेकर पूरे जो दलित संगठन है वो पूरे तरीके से आह्वान किया था दो दिन पहले ही कि पूरे देश में बंद किया जाएगा, उसको लेकर यहां पर भी तैयारी की गई थी लेकिन उसका खासा असर यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल यह जरूर है कि जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन ने अपनी तरह से चाक चौबंद की व्यवस्था की है ताकि किसी कि बंद के दौरान कोई अप्रिय घटना ना हो। जी आज बिल्कुल श्रीनिवास नायडू भी हमारे साथ मौजूद है, उमेश उनके पास चलेंगे। श्रीनिवास किस तरह की स्थिति है फिलहाल यहां पर और प्रदर्शन क्या शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं? प्रशासन की ओर से क्या एहतियाती कदम उठाए गए हैं? कितना समर्थन मिल रहा है बंद को? कोर्ट के जो फैसले के विरोध को लेकर सर्ववादी समाज ने आज भारत बंद बुलाया है। भारत बंद का असर बस्तर में खासा देखने को मिल रहा है। आज सुबह से ही जो बंद के जो समाज के लोग हैं जो बंद कराते हुए दिखे और जगदलपुर के जी बात करें जिले की बात करें तो पूरी तरह सेक्टर देखा गया। इस बंद को लेकर कल पुलिस प्रशासन ने सामाजिक संगठनों के साथ सर्व आदिवासी समाज के लोगों की बैठक की और उन्हें हिदायत दी कि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, मतलब कह सकते हैं को कराया जाए। और आज सुबह से ही सर्व आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो घूम घूम के लोगों से अपील कर रहे हैं और बंद किया जा रहा है। ये बंद शाम 5 बजे तक है क्योंकि चैंबर ऑफ कॉमर्स ने 5 बजे तक जी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए उमेश, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीनिवास आपका भी।